हेलो एवरीवन मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ अकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट आई का टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है क्रिमिनल कॉन्स्परेसी क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि आपके प्रिलम्स एज वेल एज मीनस दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और कमिंग एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट विद द क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स जो हम लोग देते हैं ये चाहिए तो आप जो है हमारे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं पूरा जो है सिंगल सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो टू फिफ्टी रुपीज़ है और कंप्लीट अगर नोट्स का जो सिनेरियो लेते हैं थर्टीन सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर उसमें फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ में आपको टोटल थर्टीन सब्जेक्ट्स के नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में ऐसे ही आपको मिलते हैं तो अगर आपको आपके चैनल पर आ रही वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें जिसका जवाब हम एज सुन एज पॉसिबल देने की कोशिश करेंगे तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट विद द क्रिमिनल कॉन्सपेरेसी क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सेक्शन वन ए एंड वन बी में जो है डिफाइन है क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी मतलब दो बंदे एग्रीमेंट ये बेसिकली क्या है एग्रीमेंट है एग्रीमेंट करने के लिए मिनिमम दो बंदों की रिक्वायरमेंट होती है टू डू एनी इलीगल एक्ट और एनी इलीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स मतलब गलत तरीके से जब दो बंदे मिलकर कोई काम करते हैं या गलत काम को गलत तरीके से करते हैं तो उसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी कहते हैं ये जो है बेसिकली क्या कहता है बट वेन द एग्रीमेंट कंटेंप्लेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड सम एक्ट इज़ डन बाई वन और मोर पर्सन देन द ऑफेंस इज़ कम्प्लीटेड तो भैया यहाँ पर क्या कहा है कि एग्रीमेंट होने के बाद अगर कोई एक्ट कमिट कर दी गई है एग्रीमेंट होने के बाद अगर कोई एक्ट को कमिट कर दिया गया है तो हम ये कह देंगे कि जो ऑफेंस है वो कम्प्लीट हो गया है ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि एक्ट का होना ज़रूरी है फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल कॉन्सपेरेसी जो है आपकी वो अगर आप सिर्फ क्रिमिनल कॉन्सपेरेसी करते हो एक्ट नहीं करते हो तो भी वो पनिशेबल ऑफेंस है ये चीज़ का ध्यान रखिएगा इट इज़ नो इफेक्ट वेदर द इलीगल एक्ट इज़ अल्टीमेट ऑब्जेक्ट और इंसिडेंटल भैया सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है या इंसिडेंटल है इससे नो इशू क्रिमिनल कॉन्सपेरेसी कौन से सेक्शन में कौन से ईयर में इंसर्ट किया गया था ये 1913 में इंसर्ट किया गया था और इसका बेसिक परस्पेक्टिव क्या है कि कानून को तोड़ना किसी को नुकसान पहुंचाना एक ऐसा एग्रीमेंट बनाना जो कि किसी को ऑफेंस करने के लिए या किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए कार्यरत है तो बेसिकली क्रिमिनल कॉन्स्परेसी एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि फोकस करता है टू प्रोवाइड टू कमिट एनी ऑफेंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है एक बी में इसको दे रखा है इसको मार्क कर लीजिएगा कई बार एग्जाम में पूछ लेता है अगर इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस मेयर एग्रीमेंट मेक्स द कॉन्स्पिरेटर गिल्टी एंड नो एक्ट इन द पर्सेंट ऑफ एग्रीमेंट नीड टू बी डन भैया सिंपली जैसा मैंने कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले कि अगर सिंपल एग्रीमेंट भी करते हो अगर ओवरट एक्ट आप नहीं परफॉर्म करते हो तो सिंपल एग्रीमेंट के लिए भी आपको वन ट्वेंटी बी में लाइबिलिटी आपके ऊपर लगाई जा सकती है देयर फॉर एन एग्रीमेंट टू कमिट द कॉन्स्परेटर्स कमिट द मर्डर द कॉन्सपिरेटर्स आर गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भैया जाके किसी का षड्यंत्र करते हो कि भैया इस बंदे को मारना है मारने नहीं गए कोई ओवरटैक नहीं किया सिर्फ कॉन्स्पेरेसी के लिए लाइबल हो जाओगे केस है लाल सिंह परस स्टेट ऑफ गुजरात जो कि फेमस है इसमें केस में क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर मेन और को एक्यूज के बीच का जो इन्फ्रेंसिस है वो ड्रॉन अप किया गया बाय द फैक्ट्स ये सारा का सारा केस आपको यहाँ पर फैक्ट्स में मिल जाएगा इसमें क्या होता है कि को एक्यूज है ना इंडिया में स्टे करता है कोई पासपोर्ट नहीं होता इधर उधर मेन एक्यूज के साथ घूमता है तो इसीलिए को एक्यूज को कोर्ट ने इस विदाउट वैलिड पासपोर्ट पूरे देश में घूमना विद द आर्म्स एंड एमुनेशन और वो आर्म्स एंड एनुमिनेशन मेन एक्यूज की कस्टडी से लिए गए थे तो ऐसे में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने को एक्यूज को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है डील किया गया था दूसरा केस है सुप्रीम कोर्ट वर्स का ही है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी भगत राम स्टेट ऑफ राजस्थान ये काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट केस है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि पार्टनरशिप है जो कि बनती ही किस लिए है क्राइम को कमिट करने के लिए म्यूचुअल एजेंसी फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉमन प्लान मतलब दो बंदों ने कॉमन प्लान किया लेकिन किस लिए किया ऑफेंस को कमिट करने के लिए इसको हम कॉन्स्परेसी कहते हैं तो आज की इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं जब तक कि चैनल पर नई वीडियो आए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस टेस्ट सीरीज़ को छत्तीसगढ़ टेस्ट सीरीज़ जो है हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं टोटल फोर्टी टेस्ट हैं फोर्टीन डबल नाइन नाइन इसका डिस्काउंटेड प्राइस है विदाउट वेस्टिंग द टाइम फॉर फ्री सैम्पल्स आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं थैंक यू ऑल द बेस्ट चैन जब तक की नैगी वीडियो आए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू ऑल द बेस्ट पढ़ते रहें साथ बनाए रखें